फिर उसको बात करते हैं सुजान एनर्जी लिमिटेड की। 2.5% से ज्यादा की गिरावट शुक्रवार को हुई, यहाँ पर 7 रुपए का स्टॉक हो चुका है। बहुत सारे सवाल हमारे सामने आए कि क्या स्टॉक दोबारा से धोखा दे रहा है हमें और क्या स्टॉक में दोबारा से 5 रुपए तक का फॉल आ सकता है। बात करेंगे इस वीडियो में इस हफ्ते के चाल की, इस हफ्ते में क्या सुजान हमारा गिरावट में देखने को मिलेगा या जाएगा दोबारा से 10 रुपए के आसपास, क्या यहाँ पर खरीदारी करके चलो या बेच दो स्टॉक को, दोनों ही तरफ से बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बट यहाँ पर सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें सुजलॉन की तो एक अच्छा स्टॉक है हमारे सामने, छोटा है, रिन्यूअल सेक्टर का स्टॉक है और 6 रुपए 7 रुपए का स्टॉक ऐसा स्टॉक है जहां पर अगर बढ़ा और भागा ना तो यहाँ से पैसा आपका सबसे ज्यादा बनेगा। ठीक है, कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिटर्न कमाने का इससे अच्छा तरीका आपके सामने नहीं हो सकता है। एक तो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, रिन्यूअल सेक्टर में काम करते हैं और रिन्यूअल सेक्टर हमें चाहिए भी इस समय पर। इस समय पर अगर आप देखोगे तो इंडिया अपने गोल्स में जो इनकम ईयरली या 5 ईयरली गोल्स होते हैं रिन्यूअल सेक्टर से एनर्जी बनाने का, उसमें कहीं ना कहीं पीछे चल रहा है। और जैसा मोदी साहब ने भी पिछले दिनों कहा विद रिन्यूअल सेक्टर समिट में कि रिन्यूअल सेक्टर पे खास तौर पर ध्यान दिया जाएगा। एनर्जी समिट में इस तरह की बातें होती हैं, अगर आप नहीं जानते हैं फिर भी रिन्यूअल सेक्टर की इंपॉर्टेंस आपको श्योरली पता है। सुजलॉन उनमें से एक कंपनी है जहां पर काफी बेनिफिट आपको आने वाले दिनों में होने वाला है। बट क्योंकि रिन्यूअल सेक्टर की कंपनी और भी है और सस्ती भी है, महंगी भी है, दोनों ही तरफ से है, पैसा कहाँ बनेगा, सबसे ज्यादा पैसा कहाँ बनेगा और मोइनली सुजलॉन कैसा स्टॉक रहने वाला है। तो देखो सुजलॉन में कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ बुरी चीजें हैं। सुजलॉन एक ऐसा स्टॉक है जहां पर 100 रुपए 150 रुपए का हुआ करता था पहले, फिर कंपनी की कुछ गलतियों की वजह से स्टॉक में गिरावट हुई, कंपनी बहुत ज्यादा कर्जे में चले गई, इनको अपनी सब्सिडियरी बेचनी पड़ी और उसके बाद अब स्टॉक आप देख रहे हो आपके सामने है 7 रुपए का, पिछले दिनों 4 रुपए का 5 रुपए भी हो गया था हमारे सामने। बट इस समय पर क्या करना है, अब देखो गिरावट में तो है स्टॉक, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्टॉक में इस समय पर थोड़ी सी डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। यहाँ से एक अच्छी रैली में था, आप देखोगे तो स्टॉक हमारा एक अच्छी रैली में था और जब जब यहाँ पर जो पहली कैंडल बनी थी तब भी मैंने आपको कहा था कि जब तक ये इस बोलिंगर बैंड से लगे हुए रैली कर रहा है तब तक बेचना नहीं है स्टॉक को, खरीदारी करके चलनी है, तब तक बेचना बिल्कुल भी नहीं है स्टॉक को। अभी क्या करना है, अब स्टॉक को यहाँ पर बोलिंगर बैंड से हट गया है और बोलिंगर बैंड खुद भी आप देखिए यहाँ पर फ्लैट होता हुआ दिखाई दिया है हमें, साथ ही साथ मैग्डी भी हमारा फ्लैट हुआ है, डाउन ट्रेंड में नहीं गया है, बेरिश नहीं है, बुलिश ही है बट फ्लैट हो चुका है यानी न्यूट्रल हो चुका है। तो करना क्या है, प्रॉब्लम ये है कि समस्या ये है कि आप देखिए यहाँ पर जो एक सपोर्ट था हमारे सामने या आप ऐसा कह लीजिए कि एक रेजिस्टेंस जोन अब बन गया है जो हमारे सामने, वो कितना काम करने वाला है। ये जो लाइन है हमारे सामने 7 रुपए 30 पैसे की, यहाँ से गिरावट हुई, दोबारा स्टॉक में ट्राई किया ऊपर जाने के नहीं जा पाया, यहाँ पर दोबारा ट्राई किया और उसके बाद दोबारा से गिरावट हुई, तो दूसरी तीसरी बार यहाँ पर गिरावट हुई। एक ट्रेंड लाइन को 2 बार 3 बार टेस्ट कर चुका है, ट्रेंड लाइन का मतलब खत्म हो जाता है, तो अब ये लाइन इसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करने वाली है। क्या चार्ट पैटर्न में दिखाई देता है गिरावट, तो बिल्कुल चार्ट पैटर्न को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको श्योरली यहाँ पर एक डाउनफॉल आता हुआ दिखाई देगा। डाउनफॉल कितना आएगा उसकी बात करें, देखो एक चीज यहाँ पर आपको ये नोटिस करना पड़ेगा, कुछ जो खामियां स्टॉक में है वो तो हटने वाली है, RSI ओवरबॉट जोन में है तो ये तो नीचे जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कितना नीचे जाएगा वो बात करेंगे हम यहाँ पर, बट नीचे जाएगा। दूसरी चीज की मैग्डी हमारा न्यूट्रल जोन में आ चुका है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, अभी न्यूट्रल जोन में है, इससे ज्यादा नहीं। हिस्टोग्राम हमारा अपर साइड पर है यानी पॉजिटिव साइड है, यानी कि न्यूट्रल टू बुलिश जोन आप इस स्टॉक को मान सकते हो, ठीक है। तो स्टॉक में गिरावट होगी, कितनी होगी, 2-3% की गिरावट हो सकती है मोस्टली। सपोर्ट कहाँ पर लेगा स्टॉक हमारा, तो सपोर्ट की अगर हम बात करें तो सपोर्ट यहाँ पर है स्टॉक का, सपोर्ट नेक्स्ट सपोर्ट जो है पिवट पॉइंट जो है हमारा 6 रुपए 51 पैसे का है। यहां तक क्या गिरावट हो सकती है, पूरा यहां तक गिरेगा नहीं, जरूरी नहीं है कि यहां तक गिरावट हो। एक चीज आपको यहां पर नोट करना पड़ेगा कि जैसे सुजलॉन स्ट्रगल कर रहा है इस लाइन को लेकर के यानी 7 रुपए 30 पैसे की लाइन को लेकर के लगातार ऊपर नीचे हुआ है, वैसे ही हमारा स्टॉक मार्केट भी लगातार यहाँ पर स्ट्रगल करता हुआ दिखाई देता है 15800 को लेकर। ये तीसरा चौथा दिन था फ्राइडे को जब स्टॉक मार्केट हमारा 15800 के नीचे क्लोज हुआ और ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है हमारे सामने। रीजन बीइंग की यार देखो बाजार ने काफी टाइम से लगातार कोशिश की, 15800 ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, सस्टेन नहीं कर पाया। फ्राइडे को भी खरीदारी अच्छी थी और उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाया, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली बाजार में और बाजार में गिरावट हुई। FII की तरफ से 5100 करोड़ का माल बेचा गया था, डंपिंग बहुत तगड़ी हुई थी, दोनों ही तरफ से खरीदारी नहीं आई थी, कम आई थी और यही एक वजह रही कि बाजार गिरावट में बंद हुआ। गिरावट इन द सेंस कि यहाँ पर 15800 को फिर से होल्ड नहीं कर पाया। अब 15800 का भी यहाँ पर मतलब नहीं रह जाता, लगातार बाजार में भी न्यूट्रलिटी है। आप देखिए पिछले 3 से 4 दिन बाजार को उठा के तो बाजार में भी कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं है, बाजार बहुत ही इंडिसिसिव बिहेव कर रहा था और वही एक बड़ा कारण सुजलॉन में भी हमें देखने को मिलता है। सुजलॉन भी हमारा उसी तरह का बिहेव कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बाजार अपने आप को लेकर के इंडिसिसिव है, सुजलॉन इस समय पर इंडिसिसिव।
और इन्वेस्टर भी इस समय पर थोड़ा सा इंडिसिसिव है, इंडिफरेंट है, इंडिफरेंट इन द सेंस कि यार कहां पर खरीदारी करें, खरीदारी करें या बेच दें। आरबीआई की वार्निंग है स्टॉक मार्केट बबल की, मार्केट उसके बाद से कुछ बहुत बड़ी मूवमेंट में नहीं आ पाया है और वही एक कारण है कि यहाँ पर स्लोडाउन में भी कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं है। 6.54 रुपए का सपोर्ट लेकर के चलना है, बने रहने की मेरी सलाह रहेगी, पूरा यहाँ तक गिरावट में नहीं आएगा हमारा। जिस तरह की खबरें आ रही है ग्लोबल मार्केट को लेकर के, फेड की एक बड़ी न्यूज यहाँ पर आने वाली है, WPI CPI का डेटा इस हफ्ते में हमारा आने वाला है। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में IIP का डेटा आने वाला है, तो वो चीजें अगर आती हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो उनका कोई खास बड़ा इवेंट नहीं है, तो मार्केट इस समय पर अपनी चाल चलने वाला है। कोई बहुत बड़े इवेंट नहीं है कि डरावने हो या कोई नंबर ऐसे आ जाएंगे जो मार्केट को दबाव में लेकर के जाए। WPI CPI का डेटा भी आएगा तो वो भी कोई बहुत बड़ा डेटा नहीं है कि उससे दबाव पड़ेगा बाजार पे। बने रहिए, बाजार अपनी चाल चलने वाला है, बाजार 840 को क्रॉस करेगा, उसके बाद सुलाम में हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर बेचना नहीं है स्टॉक को। खरीदारी करने की सलाह अगर मैं आपको दूं तो खरीदारी कर सकते हैं 5-10% ऑफ योर टोटल कैपिटल, इससे ज्यादा खरीदारी यहाँ पर नहीं करनी है। छोटा स्टॉक है, चला भागा तो यहाँ पर 10% से भी आप उतना पैसा बना लोगे जितना आप 90% ऑफ योर टोटल कैपिटल से नहीं बना पाओगे अच्छे स्टॉक में लगा करके। बट 10% ही लगाना है, रिस्की इन्वेस्टमेंट है तो वो सोच के लगाना है आपको, ठीक है। बाकी बात करें कि यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज क्या माल उठाया जा रहा है, तो बिल्कुल 8 जून को 60%, उसके बाद 39%, उसके बाद 50% और 11 जून को 52%, लगातार दूसरा दिन हमारा जब डिलीवरी बढ़ती हुई दिखाई दी है हमें। अब देखिए कि 9 जून को सिर्फ 40% थी, उसके बाद 50% हुई और उसके बाद 52%, तो डिलीवरी बढ़ी है हमारी, जिसका मतलब है कि सुजान में खरीदारी आई है और उसी खरीदारी की वजह से स्टॉक इस हफ्ते हमें भागता हुआ दिखाई दे सकता है। बने रहने की मेरी आपको सलाह रहेगी। बाकी बाजार के हाल हमने जान लिए हैं। बात करें FII DII की, तो DII का डेटा यहाँ पर भले ही अच्छा हो, क्योंकि ये पिछले, अगर शुक्रवार को छोड़ दिया जाए तो पिछला ये पूरा हफ्ता और पिछला उससे पिछला हफ्ता हमारा DII ने सिर्फ बिकवाली की है, यहाँ पर कोई एक पैसे का माल नहीं खरीदा था। शुक्रवार को इनकी पहली खरीदारी थी 666 करोड़ की, और FII की बात करें तो इन्होंने 18 करोड़ का माल जरूर खरीदा था, बट जो डंपिंग वैल्यू थी वो काफी हाई थी और यही बड़ा कारण था कि बीच में मार्केट ने नोज डाइव लगाया था यहाँ पर। हालांकि सपोर्ट मिला, DII की तरफ से सपोर्ट मिला शर्ली यहाँ पर, और उसी का असर है कि बाजार ने ग्रीन के साथ बंद किया और सुजलॉन में 2.5% की गिरावट के साथ क्लोजिंग आई है। बने रहिए बाजार में, बने रहिए सुजलॉन में, यहाँ पर रिन्यूएबल सेक्टर के स्टॉक और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में पैसा लगाया है, प्रॉफिट तो आपको यहाँ से मिलेगा, कोई दो राय नहीं है इस बारे में। बाकी यहाँ पर बात करें Q4 के नंबर्स की, क्योंकि वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखिए दिसंबर के नंबर्स आप देखेंगे, उससे पहले सितंबर के नंबर्स आप देखेंगे, Q3 Q2 के नंबर आप देखेंगे तो वो बहुत कन्विंसिंग नहीं थे। Q2 के नंबर्स काफी कन्विंसिंग थे हालांकि, बट Q3 के नंबर्स काफी कन्विंसिंग नहीं थे। डर यहाँ पर ये भी है कि क्या Q4 के नंबर्स नेगेटिव आएंगे, और Q4 के नंबर्स नेगेटिव आएंगे तो उसका कितना असर होगा, तो वो तो जब आएंगे तब बात जरूर की जाएगी। बट Q4 को लेके इतना स्ट्रेस नहीं डालना है, लॉन्गर टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अगर आती है, अगर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी रहती है आपके सामने, तो वहां पर बने रहना है, निकलना नहीं है, बेचना नहीं है, पैनिक सेलिंग नहीं करनी है, पैनिक सेलिंग बहुत खतरनाक हो जाती है सभी के लिए, ठीक है। तो बने रहने की मेरी सलाह रहेगी। बाकी आपकी क्या स्ट्रेटजी है सुजलॉन को लेकर के, आप किस तरह से देखते हैं सुजलॉन स्टॉक को, फॉर लॉन्गर टर्म, फॉर शॉर्ट टर्म, प्लीज कमेंट करना। बाकी वीडियो यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज कमेंट भी, अगर कुछ पूछना हो